हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले फिंगर फ्राइज, बट पोटैटो से नहीं, लेफ्ट ओवर इडली से, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी है। इसके लिए मैंने लिया है 4 इडली, उसके अलावा चाट मसाला, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप चाहो तो सिर्फ नमक या सिर्फ चाट मसाला भी डाल सकते हो। उसके अलावा तेल था तलने के लिए। सबसे पहले मैं इडलियों को काट रही हूँ। इडलियों को हमें इस तरीके से काटना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। मैंने सारे इडलियों को काट लिए हैं, तेल भी गर्म होने रख दिया है। तेल गर्म हुआ कि नहीं चेक किया है। तेल गर्म होने के बाद मैंने सारे इडलियाँ इसमें डाले हैं, मतलब एक बार में जितने आ सकते हैं उतने। इडलियों को एकदम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, मतलब डालते समय तेल एकदम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं रहना है। फिर उसके बाद इडली डाल के हमें मीडियम फ्लेम पे इसे पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होते तक या क्रिस्पी होते तक इन्हें फ्राई करना है। ये लेफ्ट ओवर इडली का बहुत अच्छा ऑप्शन है। सारे इडली फ्राई हो गए, मैं इन्हें निकाल रही हूँ और बाकी के इडली भी फ्राई करूँगी। जनरली हर घर में इडली बच जाते हैं, चटनी भी नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में बच्चे सिंपल इडली खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे फ्राइज़ बनाओ, बहुत अच्छे से खाएंगे। अब मैं बना रही हूँ उसके लिए मसाला। मैंने एक स्पून जीरा पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून मिर्च पाउडर, हाफ स्पून नमक लिया है। अब मैं डाल रही हूँ हाफ स्पून चाट मसाला डाल के मैं इनका एक पाउडर बना रही हूँ मसाला। आप चाहो तो यहाँ पे इडली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इडली पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ नमक या सिर्फ चाट मसाला भी डालो तो बहुत अच्छा लगता है। अब सारे इडली फ्राई हो गए, मैंने निकाल रही हूँ। बस हमारा बहुत ही टेस्टी यम्मी टी टाइम स्नैक्स बन के रेडी है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मसाला जो अभी हमने बना के रखा। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप करके कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ मिर्च पाउडर, सिर्फ चाट मसाला या सिर्फ नमक। हमारा बहुत ही बढ़िया टी टाइम स्नैक्स बन के रेडी है। मैंने इसे सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। वैसे ये सिंपल ही बहुत अच्छा लगता है, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।